करेंगे हिमावरी के लिए सजावट। ओ, ये तो बहुत बढ़िया है, बिजली से चलने वाली कार। नहीं, ये इनकी गाड़ी नहीं है बेटा। लेकिन कुछ भी कहो, गाड़ी है बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है? हम दोनों एक अच्छी कार के बारे में पढ़ रहे थे। अगर अच्छी भी है तो आप जानते हैं ना कि अभी हम कार नहीं खरीद सकते। वैसे मौसम अच्छा है, आप हिमावरी को बाहर क्यों नहीं ले जाते? मुझे नई कार चाहिए थी। मुझे भी एक नई कार चाहिए जिसमें मैं एक्शन कामिन के साथ घूम सकूं। बेटा, एक्शन कामिन तुम्हारे पास नहीं आ सकता। एक्शन कामिन मेरा हीरो है और वो कहीं भी आ सकता है। तो तुम समझ गई ना, 3 बजे के करीब वहाँ पर पहुँचना है। वो देखिए। अरे वाह। ओ शिनचान, तुम यहाँ? अरे हिमावरी, तुम जानती हो इन्हें? ओ हाँ, याद आया। वो दरअसल बात ये है कि मैं ये हिमावरी को वापस करना भूल गई थी। ये लो। शुक्रिया आपका। वैसे आपकी फ्रेम में तो काफी कुछ लगा हुआ है। ये तो मैंने अपने आप लगाए हैं। ये फ्रेम काफी पुरानी लगती थी, पर इसमें मैंने अपनी फेवरेट चीजें लगाकर इसे और सुंदर और नया जैसा बना दिया है। ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मैंने आज तक हिमावरी की फ्रेम को ऐसा बनाने के बारे में नहीं सोचा। एक फ्रेम तो और भी ज्यादा सुंदर है। हाँ, वो देखो, वो आ रही है। मैम आप यहाँ? अरे शिनचैन तुम? हेलो। हेलो शिनचैन, तो आप ही पुरानी चीजें रखते हैं। देखिए, ये किसी से बात करने का तरीका नहीं होता है। अपने से इतना क्यों सजाया है? देखूं तो सही आपकी प्रेम अंदर से कैसी है। हेलो अंकल, आप कैसे हैं? ये बच्ची तो खुद चल सकती है। दरअसल मैं प्रेम सजाना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको इसमें बिठाया। हम असल में यहाँ पर आपकी प्रेम की खूबसूरती की ही बात कर रहे थे कि वो कितनी अच्छी है। लॉरी वाले भी तो अपना ट्रक ऐसे ही सजाते हैं ना? मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रक का ड्राइवर। आपने पहले की नहीं बताया? बेटा, क्योंकि तुमने पहले पूछा ही नहीं। आपने सही कहा, मैंने पहले पूछा ही नहीं। अच्छा, हिमावरी की प्रैम बहुत पुरानी हो गई है, अब इस तरह की प्रैम कोई भी नहीं चलाता है। ये तो बहुत पुरानी लगती है, अच्छी नहीं लग रही। हमारा स्वागत है मैम। कहो, हम आ गए। मैं कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट जा रही हूँ। अरे ये क्या, मित्सी तो अकेले ही मार्केट चली गई। वो मेरे बिना ही वहाँ चली गई। ये तो मुझे कहना चाहिए था ना। ओके, मित्सी नहीं है तो क्या हुआ, हम फिर भी कोशिश कर सकते हैं। डैड जरा सुनिए, आप इसको आखिर कैसे सजाएंगे? सोच रहा हूँ मैं। इसके लिए हम लोगों को कुछ चीजें चाहिए। मुझे चाहिए। तुम्हारी ये चीजें सिर्फ सपना है। आपकी बात भी सिर्फ एक सपना ही है। नहीं नहीं, आप लोग आखिर किस बारे में सोच रहे हैं? बहुत कुछ सोच रही हैं। देखिए, ये सिर्फ हिमावरी के लिए बनेगी, समझ गए आप? देखिए, बात यह है कि हम दोनों ठीक से इस बारे में कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। हाँ हाँ, डैड ने बिल्कुल सही कहा। अगर आप ही हमारी थोड़ी मदद कर दे तो अच्छा रहेगा। ये रंग कुछ पुराने टाइप का नहीं है? लेकिन हिमावरी को ये रंग पसंद है तो मुझे लगा ठीक रहेगा ये रंग। नहीं, ये ठीक नहीं है। वाह, बहुत अच्छे। इस रंग की वजह से आप सबके बीच में मशहूर हो जाएंगे। क्या कह रही हैं आप? अच्छा लग रहा है। शिनचैन, तुम ये लगाओ। अरे वाह, आपकी तो कमाल ही करती है। हाँ। ये क्या लगाया है? ये एक नेविगेटर है। बहुत अच्छा है। ये नेविगेटर भी शिनचैन की तरह किसी काम का नहीं है। डैड, कितनी भी तारीफ मत कीजिए। तारीफ नहीं कर रहा हूँ बेटा। तुम क्या कर रहे हो शिनचैन? ये अच्छा ही ना, ये साइड कार है। साइड कार? यहाँ बैठो। देखिए, ये अच्छा है ना, हम हिमावरी के साथ साथ शीरो को भी घुमा सकते हैं। एक साथ दो दो काम हो जाएंगे। तुम्हें लगता है ये वाकई अच्छा आइडिया है?
हाँ, बहुत ही कमाल का आइडिया है। चिरु, तुम्हें नई कार पसंद आई? ये बहुत बुरा आइडिया है। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि वो उस रोड के पतले रास्ते से नहीं जा पाएगी। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप सच में बहुत सारी चीजें जानती हैं। अरे नहीं, मुझे तो जाना है, मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। ये क्या, ये तो अचानक से चली गयी। चलिए डैड काम जारी रखते हैं। ठीक है। लीजिए। ठीक है। ये लीजिए। लाओ दो। ये भी लाओ। और कुछ है? अरे ये तो तुम्हारा है, हमें हिमावारी की प्रेम के लिए सामान चाहिए बेटा। जब मम शॉपिंग के लिए मुझे इसमें बिठाकर लेके जाएंगी तो मेरे पास खेलने के लिए कोई खिलौना होना चाहिए ना? ये नहीं लगाएंगे हम इसमें। प्लीज लगा दीजिए ना डैड, प्लीज। नहीं बेटा, प्लीज लगाइए ना। आप लोग क्या कर रहे हैं? वेलकम। आपका घर में बहुत बहुत स्वागत है मम। आजकल सब लोगों ने अपनी फ्रेम्स को बहुत सजाया हुआ है, इसलिए हमने ये हिमावारी के लिए सजा दिया। ये सब हटा दीजिए जल्दी से। हटा दीजिए जल्दी से। मम ने तो सजावट के बारे में कुछ कहा ही नहीं। हमने कितनी मेहनत और लगन से इसको सजाया था ना डैड, पर मम को पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं शिनचैन बेटा, चलो अब सब कुछ हटाना ही पड़ेगा। सही कह, अभी तक हटाया नहीं। ठीक है। गल 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 गल। आज हम जाएंगे पार्टी में। वाओ, क्या आपके घर में पार्टी है? जी हाँ, और हम इसके सभी दोस्तों को बुला रहे हैं, है ना बेटी? सही कहा, तुम अपने दोस्तों को भी मेरे घर ला सकती हो। बाय बाय। बाय बाय। सुनो नैनी। हाँ? देखो, अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं। ये हमेशा मुझे गुस्सा दिलाती है, हमेशा कोशिश करती है कि ये मुझे अपना घर दिखाए। देखो, अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं। उसने मुझे ऐसे कहा, अब तो मुझे उसके घर जाना ही होगा। लेकिन मैं अपने दोस्तों में से किसको लेकर जाऊंगी? ठीक है, सबको ले जाऊंगी। क्या कहा पार्टी? उस पार्टी में तुमको बहुत कुछ खाने को मिलेगा। क्या, सच में? मैं जाऊंगी। ठीक है, मुझे इनविटेशन मिला है, तुम लोग मेरे साथ चलोगे। समझ गए ना, तुम मेरे साथ बॉडीगार्ड की तरह चलोगे। तुम्हारी सर, तुम बॉडीगार्ड बनकर जाओगे। इसको बॉडीगार्ड की क्या जरूरत? चुप हो जाओ तुम। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे इनविटेशन मिला है इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और वो सोचती है कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं समझ गया। मैं भी। ये बिल्डिंग तो बहुत ऊंची है, हमें 28वीं मंजिल पे जाना है। मसाओ, तुम्हारी ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है। मॉम ने कहा था इस ड्रेस में मैं बहुत अच्छा लगूंगा। सच कहा था। शिनचैन, तुमने आखिर ये पुराने कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें तो नए कपड़े पहन कर आना चाहिए था। जरा ध्यान से देखो नैनी, मैंने धुले हुए कपड़े पहन रखे है। देखो, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। पहुँच गए, और वो भी इतनी जल्दी। तुम्हारा स्वागत है, देखना आज खूब मजा आएगा। ये तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ, सोचा साथ में ले आओ। बस थोड़े अजीब से लग रहे हैं। पार्टी शुरू होने तक तुम सब यहीं रुकना। हम तो बहुत ऊंचाई पर हैं। वो देखो मेरा घर कितना छोटा लग रहा है। मेरा घर तो यहाँ से दिख ही नहीं रहा। यहाँ सुनो, ये लोग मेरे दोस्त हैं, नोएल और मीनामी। आप सब कैसे हो? मिलकर खुशी हुई। इसकी ड्रेस कितनी अच्छी है। बात यह है कि नोएल के डैड फ्रांस में रहते थे। फिर तो तुम्हें दोनों भाषा आती होंगी। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। शायद तुम्हें ये नहीं पता मुझे भी दो भाषाएं आती हैं। शायद तुम्हें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। फिर तो तुम्हें फ्रेंच भी आती होगी। हाँ, थोड़ी बहुत। अरे वाह, आखिर ये इतना हैरान क्यों हो रहा है? इसके डैड फ्रांस में रहते हैं तो उन्हें आती ही होगी ना। स्वीट ब्रेड, जैम ब्रेड, फ्रेंच ब्रेड। ये तुम कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? बंजर, फ्रेंच। तुम्हारा दोस्त सचमुच बिल्कुल अलग है। हाँ, इसकी तो मजाक करने की आदत है। अरे हाँ, तुमने बताया था ना कि कोई लड़का है जिसे पत्थर पसंद है। हाँ,
वो रहा वो। अच्छा तुम्हें कैसे पत्थर पसंद है? नए आकार वाले पत्थर। अच्छा तो ये वाला पत्थर देखो जरा, ये छोटा जरूर है पर अलग तरह का है। ये तो बहुत प्यारा है। मैं नामी को हीरे जवाहरात बहुत पसंद है। अरे वाह बहुत अच्छे, बेकार सा पत्थर है ये, किसी भी चीज पर हैरान मत हो। शिनचांग तुम्हें क्या पसंद है? मुझे टीचर पसंद है, एक जो बच्चों को दिल से पढ़ाए, दो जो बच्चों को अच्छी बातें सिखाए, तीन जो बच्चों को अच्छा खाना खिलाए। चुप हो जाओ शिनचांग। और चार एक्शन का मेन दिखाए। एक्शन कामेन? हाँ मैं जानता हूँ। मैं जानता था ये यही बोलेगा। देखो फ्रांस में एक्शन कामेन सबको बहुत पसंद है। फुटबॉल खेलते हैं। छुपन छुपाई, धूप में बैठकर थोड़ी बातचीत करती हैं। अरे हम ऐसा कब करते हैं शिनचांग? मुझे लगता है तुम सब एक गेम बताना भूल गए। क्या कहा? वो है ऑफिस ऑफिस गेम। क्या ऑफिस ऑफिस? वो कैसी गेम है? ठीक है सभी लोग अब गेम के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहा? पिंग पोंग। वो ये हमारे ऑफिस में ट्रेनिंग देने आए हैं, ठीक से रहना, समझ गए तो? अच्छा ठीक है। हाँ अंदर आइए। आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ पर? नानी तुम यहाँ? ओह कितने दिनों बाद मिले आप। मैंने तो सुना था कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर गई हो। अरे नानी सुनो, तुम इसके साथ बातें कर रही हो? नहीं भूल गई, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दीजिए सर। नहीं नानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना होगा। तुम टीचर नहीं बल्कि मेरे बॉस का रोल कर रहे हो। मैं जाकर बैठ जाऊँ क्या? हमारे बीच में मत बोलो। रुको मिनामी, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो जब मैंने तुम्हें इतना सारा काम दिया है? माफ कीजिएगा। गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। शांत हो जाओ। जाने दो मुझे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये लोग किस तरह का खेल खेल रहे हैं। चलो बच्चों आओ कुछ मीठा खा लो। ठीक है। अरे ये तो चॉकलेट फाउंटेन है। अरे चिंचानी क्या कर रहे हो? टेस्टी है। क्या सच में? ऐसा करो तुम ये ले लो, ठीक है? आपका शुक्रिया। चलो चलो हम दिखाते हैं। अरे शिनचान चोको स्ट्रॉबेरी तैयार है, तुम्हें इस तरह नहीं खाना चाहिए। तुम सुन क्यों नहीं रहे? अरे नहीं ये लो इससे पहुँच लो। अरे तुमने भी गिरा दिया, मैं तुम सबको एप्रन देती हूँ। तुम बिल्कुल सही से नहीं खा पाती हो। और तुम भी नहीं। दो चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। ध्यान से चॉकलेट मुझ पर मत गिराना। शिनचांग तुम कब सुधरोगे? अब देखो चॉकलेट की बारिश। पार्टी में मजा आया ना? हाँ आया। पार्टी के आखिर में शिनचांग ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। जब मैं इसे अगली बार मिलूंगी तो मैं इसे क्या कहूँगी? मैं घर जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। ये दोनों सचमुच मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे शिनचांग जैसा दोस्त चाहिए जिसके साथ मैं ऑफिस ऑफिस खेल सकूं। मेरे पास शिनचांग जैसा दोस्त क्यों नहीं है? नहीं। वो, 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 वो। आज मैं करूंगा घर की देखभाल। मिसेस नोहारा। ओह हेलो, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। वो बात ये है मिसेस नोहारा, मैंने एक रोलर खरीदा है। अरे क्या कहा आपने, रोलर? ये बताइए इससे फायदा क्या होता है? हाँ उस रोलर से चेहरे और सर की मसाज बहुत अच्छे से होती है, आप करके देखेंगी? हाँ 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 मैं जरूर करना चाहूँगी। आप जरा रुकिए मैं अभी आती हूँ। सुनो शिनचांग मैं पड़ोस में जा रही हूँ, देखो हिमावारी अभी सो रही है तो तुम। शिनचैन, दो दो चॉकलेट चिप्स की पैकेट। पता नहीं ये कहाँ खोया रहता है। चलो मैं जल्दी से पड़ोस में होकर आ जाती हूँ। अरे वाह क्या सपना था। हिमावरी, मॉम कहाँ पर गई हैं? अच्छा वहाँ माम क्या बंदर है, वो यहाँ नहीं है। अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा चमक रहा है, क्या बात है। माम क्या आप ऊपर हैं? अगर मेरी दस्तक गिनने तक आप बाहर नहीं आई तो मैं आपको आउट समझूंगा, ठीक है ना माम? एक दो तीन चार पाँच
5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे नहीं मम, आखिर कहाँ चली गई? अब जब मम यहाँ पर नहीं है तो घर की देखभाल अब मुझे ही करनी होगी। तो ठीक है, ऑफिसर शिनचैन काम पर, मम की वापस आने तक क्यों ना मैं कपड़े ही धो लूं। अरे नहीं, ये तो नीचे गिरा हुआ है। सुनो, यही तुम्हारी जगह है, अब नीचे मत गिर जाना, समझ गई ना? अब बाकी चीजों को चेक करता हूँ। शिनचैन, जल्दी पीछे देखो। फिर मैंने पीछे देखा और वहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी। अरे नहीं, ये नलका तो ठीक से बंद नहीं है, पानी बहुत कीमती होता है। हाय, मैं यहाँ पर हूँ। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? हेलो, क्या आप मुझे डरा रही हैं? मैं आपका सामना करने के लिए तैयार हूँ, समझे? एक्शन का मैं कभी भी हार नहीं मानता, वो हमेशा जीतता है। मैं तो बहुत ही थक गया हूँ, पर ऊपर का कमरा चेक करना अभी बाकी है। एक्शन कामिन और शिनचैन तुमसे नहीं डरते, समझे? चलो चुपचाप बाहर आ जाओ। तुमने सुना नहीं क्या? हाय शिनू, तुम कैसे हो? तुम्हें क्या हुआ शिनू? तुम आखिर क्या कहना चाहती हो शिनू? मैं समझा नहीं, क्या तुम चाहती हो मैं पीछे मुड़कर देखूं? तुम मुझे नहीं हरा सकते, समझे? एक कौवा। अरे नहीं, मैं तो बस एक कौवे से डर गया था। वह कौन है? अरे तुम ठीक तो हो ना? हिमावारी, डरने की कोई बात नहीं है, मैं अभी जाकर वहाँ देखता हूँ। अरे ये क्या, सारा सामान तो अलमारी से बाहर गिर गया। अच्छा सुनो हिमावारी, अब तुम्हें भी मेरे साथ मिलकर घर की देखभाल करनी होगी। मॉम ने डिस्काउंट में इतनी सारी चीजें खरीद कर जमा कर रखी हैं। ये आवाज किसकी है? अरे आखिर ये किसका कॉल हो सकता है? हेलो, मैं शिनचैन बोल रहा हूँ। माफ कीजिएगा, गलती से फोन लगाया। अरे इनकी गलती ने मुझे डरा दिया। मैं आ गई। माफ करना बेटा, मुझे आने में देर हो गई। अरे ये क्या? शिनचैन, हाँ ये सब कैसे हुआ शिनचैन? ये सब अचानक गिर गया और पता ही हम दोनों डर गए थे। माफ करना बेटा। और बताइए, ये मोबाइल आखिर इस अलमारी में क्या कर रहा है मॉम? हाँ? अरे ये तो तुम्हारे डैड का पुराना फोन है, उन्होंने मुझे रखने के लिए दिया था और मैंने इसे स्टोर में रख दिया। मॉम, अभी अभी इस पर एक रॉन्ग नंबर से फोन आया था। क्या? लेकिन ये फोन तो खराब है और इसमें बैटरी भी नहीं है। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के।
है क्या छुपा जो तुम्हारी समझ ना।